बिफोर न्यू कार परचेजिंग फॉलो दिस पॉइंट्स। अगर आप मिड वर्क कस्टमर हैं और आप भी मानते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, तो कार खरीदने से पहले इन पॉइंट्स को अवश्य क्लियर कर लें, खास तौर से जहां न्यू कार आप परचेज करने वाले हैं, क्योंकि न्यू कार जहां पर आपके घर में खुशियां, उमंग और उत्साह लाती है, वहीं पर आपकी शॉर्ट मिस्टेक आपको ऐसे ट्रैप में फंसा देती है जिसमें फंसकर आपकी दिन रात की नींद भी उड़ सकती है। और केवल एक्साइटमेंट में मिस्टेक ना करें जिसमें बाद में आपको सोचना पड़े। और दूसरा पॉइंट है कि आप डीलर्स के ट्रैप में फंसकर अपने डिसीजन में ऐसे कुछ चेंजेस ना करें जो बाद में आपके लिए नुकसान का कारण बन जाए। और खास तौर से मिड वर्क कस्टमर के लिए न्यू कार परचेज करना ड्रीम अचीव करने के समान होता है, और यहाँ पर एक्साइटमेंट में कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं जिसके काफी सारे दुष्परिणाम बाद में भुगतने पड़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है जो आपको फॉलो करना है, अपनी यूजिंग नीड को समझिए। आपको गाड़ी किस पर्पस से चाहिए, आपको ऑफिस से घर या घर से ऑफिस के लिए, यानी केवल लोकल यूज के लिए गाड़ी चाहिए तो आपको एक अलग टाइप की गाड़ी लेनी चाहिए। और अगर आपका यूज डेली 100 या 150 किलोमीटर है तो आपको एक अलग टाइप की गाड़ी लेनी चाहिए। या फिर अगर आपके फैमिली मेंबर 5 हैं या फिर 7 हैं, उस बेस पर आपको यह तो डिसीजन करना ही करना है, क्योंकि गाड़ियां कंफर्ट के लिए होती हैं, यह तो आप भी मानेंगे, कोई एडजस्ट करने की उनमें आवश्यकता नहीं होती है। और फिर हर बजट सेगमेंट में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 5 सीटर से 7 सीटर पर जाएंगे तो बहुत ज्यादा बजट बढ़ जाएगा। बजट के ऊपर आप गाड़ियां ले, गाड़ियों के ऊपर अपना बजट न बनाए, इस मेन पॉइंट्स पर आप फोकस करिए। तो बजट फाइनल करना है आपको सबसे पहले कि किस बजट तक आपको गाड़ी परचेज करनी है। बाद में ऐसा नहीं करना है कि आप डीलर्स के पास जाते हैं और वहां पर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके आधार पर आप वहां पर जो मॉडल कोई लेने गए हैं उसके आधार पर अपना हाईएस्ट मॉडल पर चलते जाते हैं, वो आपको फीचर्स बताते जाते हैं, तो डीलर्स के स्ट्रैप में नहीं फंसना है। इसके अलावा कुछ और ऐसे पॉइंट्स होते हैं डीलर्स के जिनसे आपको बिल्कुल बचकर ही रहना है। थर्ड पॉइंट है, आपको ये डिसीजन लेना है अपने बजट के अकॉर्डिंग ही डिसीजन होता है कि आप जो अपना बजट बनाते हैं उससे ओवर बजट तो गाड़ी बिल्कुल आपको लेनी ही नहीं है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर कि आपको कैश या ईएमआई पर लेना है। मैक्सिमम कस्टमर्स यहाँ पर ईएमआई पर ही गाड़ी लेते हैं और सबसे ज्यादा समस्याएं यहाँ पर ईएमआई पर लेने वाले कस्टमर के लिए ही होती हैं। आपने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे, आफ्टर मार्केट बहुत सारी गाड़ियां सेल होती हैं जो बैंकों द्वारा खींच ली जाती हैं, टू व्हीलर्स में भी ऐसा काफी होता है, तो ये आपको यहाँ पर पहले से अपना हिसाब बनाकर रखता है। ये परेशानियां उनके सामने आती हैं जो ओवर बजट में आकर किसी प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है अपना मंथली इनकम कितना है, जो आपका फिक्स इनकम है। अगर आप वेतन भोगी है तो आप जानते होंगे कि मंथली आपकी इनकम 40,000 है, 30,000 है या फिर 50,000 है। प्लस आपको यह भी वहां पर पता होगा कि आपकी जो डेली नीड्स हैं घर की, या कह सकते हैं जो मंथली आपका वहां पर खर्चा होता है कितना है, तो कुल मिलाकर इनकम में से आप कितना नॉर्मली बचा पाते हैं। तो गाड़ी के लिए आपको प्रेशर नहीं लेना है, आप जो नॉर्मली बचा पाते हैं अगर ईएमआई पर लेते हैं, आपको वहां पर अपनी संचित राशि को खर्च नहीं करना है, यानी आपने जो पैसा जोड़ा है उसे खर्च नहीं करना है। अगर आप ईएमआई पर लेते हैं उसके बेस पर ही आपको लेना है। आप ये मानकर चलिए अगर आपकी इनकम 50,000 के करीब है तो आपको ज्यादा से ज्यादा हम सोचते हैं 20% से ज्यादा का वहां पर मंथली आप नहीं निकाल सकते हैं गाड़ी के लिए आराम से, बाकी खर्चे भी काफी होते हैं। तो इस आधार कर ही आपको यह भी देखना है कि इतनी जो ईएमआई बैठती है उसमें जो गाड़ियां फिट होती हैं वही गाड़ियों का डिसीजन लेना चाहिए। बाकी प्रेशर ना पड़े, आप जानते हैं इंसिडेंट्स भी लाइफ में काफी होते हैं, तो आपातकाल के लिए भी पैसा बचाना जरूरी होता है, क्योंकि गाड़ियां केवल कंफर्ट के लिए है। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट यहां पर जब फाइनल कर लेते हैं कि आपको 5 सीटर चाहिए, 7 सीटर चाहिए, प्लस आपको लोकल यूज के लिए चाहिए, इसके बाद यहाँ पर पॉइंट्स आएगा आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, ये बाद की बातें हैं। पहले हम करते हैं तैयारी उन पॉइंट्स की जो आपको बिफोर कार परचेजिंग यहाँ पर करनी है। इसके बाद मेन पॉइंट आता है, आपको वहां पर अपनी बनानी है गाड़ियों के फीचर्स की लिस्ट, यानी आपको ऐसे कौन से फीचर्स चाहिए जो आपको हर हाल में कंपलसरी है, यानी आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। मेनली बात करें आपको अंडर 7 लाख बजट में भी काफी सारी ऐसी गाड़ियां मिल जाती हैं, ऑन रोड की भी अगर आप बात करें, जिनमें मेन फीचर्स सभी मिल जाते हैं। अगर आपका अप्रोक्स 7 लाख तक का बजट है या फिर आप वहां पर ईएमआई पर भी लेते हैं, हालांकि ईएमआई पर लेना आप जानते ही है कॉस्टली पड़ता है,
ज्यादा समय के लिए भी ईएमआई आपको नहीं लेनी चाहिए। कोशिश करिए जल्दी आप ईएमआई पे कर पाए, क्योंकि जहां पर आप लॉन्ग टाइम के लिए ईएमआई लेंगे आपको काफी सारा वहां पर इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। मेन पॉइंट्स यही होते हैं किसी भी न्यू गाड़ी के फीचर्स के, जो आप वहां पर देखिए। अगर आपको ये मिल जाते हैं जाकर फर्स्ट बेस वेरिएंट को छोड़कर उससे थोड़े अप वेरिएंट में किसी भी ब्रांड का कोई सा भी प्रोडक्ट है, तो आप वहां पर उसे फाइनल कर सकते हैं। बाकी तो आजकल फीचर्स की बाढ़ आई हुई है, वहां पर पैसे बढ़ते जाते हैं, एक एक ब्रांड की एक एक गाड़ी के 50-50 वेरिएंट आ जाते हैं, चार चार छह छह फीचर्स बढ़ते जाते हैं। लेकिन मेनली फीचर्स की बात करें, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, एबीएस, ईबीडी, एयरबैग, कॉर्नर, स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक अनलॉक, एसी हीटर्स तो सब में मिल ही जाते हैं। प्लस एक और मेन पॉइंट्स आजकल हो चुका है, डैश कैम होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड डैश कैम वाली गाड़ी पर जाएंगे तो कॉस्टली हो जाती है, इसे आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं। मेन फीचर्स यही है, जब आप डिसीजन करते हैं किसी गाड़ी का कि आपको जो जो फीचर्स चाहिए उस आधार पर आप देखिए। इसके अलावा आपको ट्रांसमिशन का भी डिसीजन करना है कि आपको मैनुअल गाड़ी लेनी है या ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी है। मैनुअल गाड़ी उनके लिए ज्यादा बेटर है जो काफी एक्सपीरियंसड ड्राइवर हैं, और अगर आप अभी न्यू गाड़ी आपने सीखी है या आपके घर में आप समझिए महिलाएं गाड़ी चलाना चाहती हैं, वो गाड़ी आसानी से चलानी आ जाती हैं। आप समझिए एज ए स्कूटी कोई ज्यादा इस पर नहीं है, हालांकि सीखना जरूरी है, डायरेक्ट गाड़ी आपको किसी को नहीं देनी है, घर में भी सीखना जरूरी है, लेकिन थोड़ा वहां पर स्ट्रेस कम होता है। प्लस एक और पॉइंट होता है, आप यह भी देखिए कि आपको अपनी गाड़ी को यूज करना है। फर्ज कीजिए आप ऐसे सिटी में रहते हैं जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, तो आप वहां पर ऑटोमेटिक गाड़ी को सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल तो ऑटोमेटिक में भी सीएनजी के ऑप्शंस आ चुके हैं, अगर आप अच्छा माइलेज भी चाहते हैं, माइलेज अच्छा लेना भी चाहिए। ये मेन पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपको 100% फॉलो करने आफ्टर परचेज। जो भी गाड़ी आपने सेलेक्ट की है, जो भी वेरिएंट आपने लिया है, वो आपकी पॉकेट के लिए कितना पॉकेट फ्रेंडली है, यानी उसका आफ्टर परचेज मेंटेनेंस कितना है, रनिंग कॉस्ट कितनी है, इसी के आधार पर आपको फाइनल करनी है। बाकी आप यह भी देख सकते हैं जो भी ब्रांड की आप गाड़ी ले रहे हैं उसके कंपोनेंट्स का प्राइस या अवेलेबिलिटी मार्केट में कितनी है, कितनी आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं फिलहाल में जो काफ़ी अच्छे बेसिक प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन उनके जो पार्ट्स वगैरह आते हैं काफ़ी महंगे आते हैं। ये पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। इसके बाद आते हैं उन मेन पॉइंट्स पर जो आपको फाइनल डिसीजन करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका यही हो जाता है, आपको एक बजट फिक्स कर लेना है कि हमको भाई 7 लाख की, 8 लाख की, 6 लाख की ऑन रोड वाली गाड़ी चाहिए। इसके बाद आता है आपकी जो नीड और यूटिलिटी है, उसका जो यूज है, आपको कितना यूज करना है, इस पर आपको फोकस कर लेना है। देखिए अगर आपका मंथली यूज यहाँ पर केवल 1000 किलोमीटर के आसपास या 1200 किलोमीटर है, तो आपको बेशक वहां पर सीएनजी या डीजल टाइप की गाड़ी की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर आप नॉर्मली आप पेट्रोल की गाड़ी लीजिए, पेट्रोल में भी अच्छे माइलेज वाली काफी सारी गाड़ियां अवेलेबल हैं जो अच्छा माइलेज देती हैं। लेकिन अगर आपकी डेली रनिंग 100+ तक जाती है, तब आपको वहां पर सीएनजी गाड़ी पर जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर सीएनजी आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली होने वाली है, जो लगभग 1.5 साल में आपकी वहां पर कॉस्ट को निकाल कर आपको दे देगी। इसके अलावा कार का आपको वहां पर देखना है सेगमेंट भी, कि आपको हैचबैक चाहिए, सेडान चाहिए या कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए। प्राइस यहां पर मैटर नहीं करता है, क्योंकि अब हर प्राइस में हर सेगमेंट की गाड़ियां अवेलेबल हैं। तो यहां पर आपको देखना है हैचबैक टाइप की गाड़ियां, अगर आपके यहां बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और आपका यूज केवल वही लोकल यूज है, तो आप एंट्री लेवल की गाड़ियां देख सकते हैं। एंट्री लेवल भी काफी सारे ऑप्शंस है, स्विफ्ट आती है, पंच आती है, टियागो आती है, ग्रैंड आई 10 नियोस आती है। अब आपको यहां पर और सारे पॉइंट्स जो देखने हैं कार का, जब आप सेगमेंट देख लेते हैं और आपको उसका फ्यूल प्राइस भी देख लेते हैं कि आपको सीएनजी में फायदा होता है या पेट्रोल में, जो आप मंथली यहां पर रनिंग निकालते हैं। अब मेन पॉइंट्स आता है उसके चेक सेफ्टी पॉइंट्स, यानी उसके सेफ्टी पॉइंट्स को भी आप देख लीजिए, कौन कौन से मेन सेफ्टी पॉइंट्स है जो उसमें मिल जाते हैं, जो आपको हमने शेयर कर दिए। इसके अलावा कंफर्ट तो आपको देखना ही है, और वहां पर एडजस्टमेंट की तो कोई नीड ही नहीं है। जब आप न्यू कार परचेज कर रहे हैं तो जो भी आपके कंफर्ट की फीचर्स है वो आप चेक कर लीजिए, आपको पर्टिकुलर मॉडल में मिलने वाले हैं। केवल बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंफर्ट के फीचर्स को आप छोड़ दीजिए, जो मेनली नीड्स की है वो होने चाहिए केवल। अब आता है मेन पॉइंट कार की, आपको क्वालिटी देखनी है, रिलायबिलिटी देखनी है, कोई बिल्कुल नया लॉन्च मॉडल है मार्केट में कैसा रेस्पॉन्स है, या काफी समय से रनिंग में है इसके बारे में क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है, कस्टमर इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या अपने ओपिनियन देते हैं। कुल मिलाकर ये सारा आपको देखना है कि गाड़ी कुछ ऐसा तो पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने बड़े अच्छी अच्छी एडवांस गाड़ियां परचेज कर ली है 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 लाख की, और वो गाड़ियां सालों से सर्विस सेंटर पर खड़ी है, उनके पार्ट्स ही नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसी भी गाड़ियां लेना तो बिल्कुल बेकार है, हम समझते हैं शोशेबाजी है केवल जो है।
अब यहाँ कार की कीमत और ऑफर को आप यहाँ पर देखिए, ऑफर मंथली चलते रहते हैं और मंथ के स्टार्टिंग में यानी कि फर्स्ट वीक में ही आपके लिए चैनल पर ऑफर शेयर कर दिए जाते हैं, तो वहां से आप अपना ऑफर निकाल सकते हैं। जो भी ऑफर चल रहा है डीलर को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। प्लस अगर आपको कोई ऐसा बेस्ट टाइम मिल जाता है जैसा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर है, तो वहां पर आप बार्गेनिंग भी अच्छी खासी कीजिए। और अगर आपको कोई इस तरह का मॉडल मिल जाता है मेक ईयर 2023 का या बैक ईयर का, जो अक्सर अवेलेबल होते हैं बहुत सी गाड़ियों के, तो वहां तो आप अच्छी खासी बार्गेनिंग करके लाखों का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के आधार पर आप तय कर ही सकते हैं कि आपको ईएमआई पर लेनी है या फिर इसके फाइनल आपको कैश में लेनी है। कार का रजिस्ट्रेशन और बीमा के बारे में आप पूरा जान लीजिए कि क्या चार्ज लगता है, इंश्योरेंस का क्या चार्ज है टोटल वहां पर लगाइए। कोई एक्स्ट्रा कंडीशन तो वहां पर लगाई हुई नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं डीलर्स पॉइंट्स पर बहुत कुछ होता है भाई, उन्हें तो अपना पैसा बनाना है, लेकिन आपको वहां पर बनना है क्लेवर, मैन पॉइंट्स होता है। कार की वारंटी की पूरी कंडीशन वहां पर चेक कर लीजिए, कोई वहां पर ऐसी कंडीशंस तो नहीं है जो आपका बेनिफिट ना हो, तो उन कंडीशन के बारे में पूरा जान लीजिए। काफी आप जानते हैं यहाँ पर ऐसा सिस्टम चलता है कि वहां पर जो कंडीशंस होती है वहां पर गोलमाल कर दिया जाता है, आप समझ नहीं पाते, केवल सीधा सीधा समझा दिया जाता है। कार की सीटिंग कैपेसिटी को देख लीजिए, कितना कंफर्ट मिलता है, बूट स्पेस वगैरह आप वहां पर देखेंगे ही। सेफ्टी फीचर्स देख लीजिए। कार के प्रदर्शन को भी जांचना एक मेन पॉइंट है, यानी कि आप जो गाड़ी ले रहे हैं सबसे पहले तो उसका डीलर के पास अवेलेबल होता है, आप जानते होंगे, जो टेस्ट ड्राइव मॉडल होता है। टेस्ट ड्राइव मॉडल को तो आपको टेस्ट करके वहां पर चेक कर लेना है, वो तो एक मेन पॉइंट है, लेकिन जब भी आप वहां पर किसी गाड़ी को फाइनल करते हैं, जो आपको फाइनल मिलना होता है, तो मेरे भाई वहां पर अपने नाम पर एंटर कराने से पहले यानी पीडीआई कराने से पहले आपको वहां पर उसका फाइनल टेस्टिंग उस मॉडल की भी करनी है। ये नहीं कि आपने वहां पर केवल जो है जो टेस्टिंग मॉडल्स होते हैं उनके आप कहते हैं उनको ही आप टेस्टिंग करें, आप जिस गाड़ी को आपको दिया जाएगा तो डीलर से रिक्वेस्ट कीजिए, और ये आपका यहाँ पर हक भी है कि आपको जो गाड़ी मिलने वाली है उसका आपको टेस्ट ड्राइव करना है, अच्छा खासा करना है, दो चार चार छह मिनट नहीं, 15-20 मिनट गाड़ी को चलाइए। अगर आप ज्यादा नहीं जानते तो किसी एक्सपर्ट को, ओल्ड ड्राइवर को वहां पर बैठा लीजिए, जो आपको बताया कि गाड़ी में किसी तरह का वाइब्रेशन या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे नए में भी आ जाती हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आपने इंटरनेट पर देखी भी होंगी, तो इसके लिए आपको खुद ही क्लेवर बनना पड़ेगा। इसके अलावा इससे पहले जब आप फाइनल करते हैं कार के, आप सेम सेगमेंट में अन्य विकल्प भी देख सकते हैं, पॉसिबल है वहां पर आपको कम प्राइस में बेस्ट फीचर, बेस्ट कंफर्ट, बेस्ट ऑफर्स मिल जाएं। एक सेगमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वो भी सबसे पहले फाइनल करने से पहले देख लीजिए। और कार का एक्सपीरियंस तो आपको करना ही करना है, वो टेस्ट ड्राइव मॉडल से आप कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्ज कीजिए आपने एक सेगमेंट की गाड़ी ली है, स्विफ्ट ली है, टियागो ली है, i10 नियोस ली है, या एनीथिंग आपने SUV ली है, ब्रेजा ली है, नेक्सॉन ली, वहां पर आप कंफर्ट देख लीजिए किसमें आपको वहां पर आपको पर्सनली चलाने में कंफर्ट महसूस होता है, क्योंकि हर आदमी का चलाने का एक अलग ही कंफर्ट होता है, वो वहां पर देख लीजिए। और हर गाड़ी को जब आप फाइनल करते हैं किसी भी गाड़ी को, उसकी टेक्निकल जो पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, जो उसके कार के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होते हैं, कार के जो सस्पेंसर और हैंडलिंग है खासतौर से उस मॉडल की जो आपको डिलीवर होने वाला है, हालांकि आपको टेस्ट ड्राइव में भी फील हो जाएगा, लेकिन जो आपको फाइनल होने वाला है उसकी आपको हैंडलिंग और सस्पेंशन वगैरह को ढंग से चेक कर लेना है, ब्रेकिंग सिस्टम भी वहां पर चेक कर लेना है, और कार की वारंटी वगैरह तो आप चेक ही कर लेंगे। तो दोस्तों इन पॉइंट्स पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपके लिए कभी भी किसी तरह की चीटिंग नहीं होने वाली है। बिफोर कार परचेजिंग पॉइंट्स पर फोकस करना मस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी बाद में आपको ना पछताना पड़े। और आज की जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिए, और इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।